भाई छात्र सभा के जिलाध्यक्ष अभय यादव जी, मैं आपके निर्देशों के क्रम में संक्षेप में ही अपनी बात कहूंगा। आज इस शहर विधानसभा के बूथ स्तरीय सम्मेलन में मंच पे बैठे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे माननीय कैलाशनाथ चौरसिया जी, प्रदेश के सचिव श्री जवाहर लाल मौर्या जी एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री गुलाब चंद यादव जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय शिवशंकर यादव जी, हमारे बड़े भाई समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई आशीष यादव जी, आनंद त्रिपाठी जी, पजवा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक प्रत्याशी रहे रोहित सुखना लल्लू जी और तमाम मंच में बैठे हमारे सम्मानित नेतागण और सामने बैठे हमारे जाबाज क्रांतिकारी भूत पदाधिकारियों, माताएं बहनों, नौजवानों, आज इस कार्यक्रम में तमाम वक्ताओं ने यहां पर आकर केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के विषय में आपको बताया। लेकिन मैं मिर्जापुर जनपद मिर्जापुर नगर विधानसभा का यह सम्मेलन है और मिर्जापुर नगर विधानसभा के विषय में आपको बताता हूं। मित्रों, हमारे लोकप्रिय विधायक रहे और उत्तर प्रदेश सरकार में 3 बार मंत्री रहे कैलाशनाथ चौरसिया जी ने जितना मिर्जापुर के विकास के लिए ये कर सके हैं उतना इन्होंने मिर्जापुर के विकास के लिए किया। इन्होंने मिर्जापुर जनपद को इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, इन्होंने मिर्जापुर जनपद को सड़कों का जाल बिछाया, इन्होंने मिर्जापुर जनपद में मंडलीय अस्पताल में चिकित्सा की उत्तम व्यवस्था कराई और इन्होंने मिर्जापुर जनपद के विकास के लिए बिजली व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, गली जो सड़कें खराब थी, जो गलियां खराब थी उसको बनवाने के लिए इन्होंने जो कार्य किया वो आज नहीं तो मिर्जापुर में ऐसा कोई विधायक भविष्य में भी पैदा नहीं होगा जितनी सड़कें और जितनी जो है गलियां माननीय कैलाशनाथ चौरसिया ने बनवाया उतना वो बनवाते। मित्रों, मैं आपको एक बात आग्रह और निवेदन करता हूं, क्योंकि समय बहुत कम है, मुझे कम समय शब्दों में अपनी बात कहनी है। आप हारे नहीं थे, आपको हरा दिया गया, आपको हरा दिया भाजपा के झूठ के, आपको हरा दिया भाजपा वालों के भरे भरे नहीं कैलाश चौरसिया के आगे जो है जो वर्तमान विधायक है उनके आगे टिकता नहीं है। वो विधायक जिसको सही ढंग से लिख नहीं सकता, सही ढंग से वो भाषण नहीं दे सकता, सही ढंग से वो पब्लिक से नहीं मिल सकता, तो कैसे वो मिर्जापुर का सेवक हो गया ये आप भी जानते हैं और इसका पछतावा मिर्जापुर की जनता को है। और अगर इसका पछतावा मिर्जापुर की जनता को है तो यहाँ बैठे हुए बूथ स्तरीय कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के नेताओं से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस पछतावे को भुना लो और लोकसभा का चुनाव 2019 में आना है। इस चुनाव में सूद समेत भारतीय जनता पार्टी ने जो फरेब करके हमसे लिया था उसको लेने का कार्य आप लोग करिए, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं मिर्जापुर की जनता आज नगर विधायक से मिलने के लिए बहुत परेशान रहती है, मैंने देखा है, क्योंकि मैं सक्रिय राजनीतिक जीवन में हूं और मैं लगातार संघर्षों के पथ पर चलकर मिर्जापुर की जनता के लिए आवाज उठाता रहा हूँ। आज मैं देखता हूँ कि अधिकारियों के दरवाजे विधायक बैठा रहता है, जिला अधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सीओ कार्यालय जाइए तो विधायक महोदय बैठे रहते हैं और विधायक महोदय कहते हैं तो काम होता नहीं। लेकिन एक कैलाशनाथ चौरसिया थे कि वो विधायक से लेके विधायक और ऐसे विधायक के मिर्जापुर के ऐसे मंत्री थे कि जिला अधिकारी से लेके पुलिस अधीक्षक तक कार्यकर्ता के उत्पीड़न पर अगर माननीय कैलाश चौरसिया ने बुला लिया
की औकात नहीं थी कि वो कार्यालय में आकर इस स्पष्टीकरण लगे। तो एक ऐसे सेवक को, एक ऐसे नेता को आपको पुनः जो है जो फरेब से उनकी सत्ता छीन ली है इन भाजपा वालों ने, उसको वापस लेना है। इसी के साथ में एक शेर कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ से, हासिल कहाँ नसीब होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती है। भरोसा खुद पर है, भरोसा खुद पर है, तो जो लिखा है तकदीर में वही मिलेगा। भरोसा खुद पर है, तो जो लिखा है तकदीर में वो ही मिलेगा, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो जो आप चाहेंगे, जो आप चाहेंगे। और इसी के साथ मैं आए हुए समस्त कार्यकर्ता से निवेदन करता हूँ कि इन रणनीति में युद्ध का बिगुल बज चुका है, और 2019 में समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को देश का नाबूद करने के लिए आप आज से ही तैयार हो जाइए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश यादव, जय अखिलेश यादव।